क्या हुआ साहब? साहब छोटे साहब खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि उन्हें सीधे मानवता हॉस्पिटल लेकर के पहुंचो। दीदी विक्रम की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उसे खून की उल्टियाँ हो रही है, सब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए मानवता। अरे सर सब स्ट्रेस सारा चिंता निकल गया, अब आंख खोल लीजिए। सब संभाल लिया शुक्ला? अरे सर हम आपका सरदर्दी लेने के लिए ही तो यहाँ बैठे, अब देने के लिए थोड़ी आप ऊपर खाओं खाओं भड़क जाते हैं। देखो ये बिजनेसमैन किसी ना किसी पार्टी के साथ चौटेबाजी करते रहते हैं, ये कभी भी बदल सकते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे, बस तुम्हें इनकी नकेल को कसे रखना है। सर हम इनका नकेल तो ऐसा कस के रखेंगे ना कि हिनहिनाते हुए घोड़े दौड़ाने की बजाय घुटने टेक देंगे। आप हम पर विश्वास रखिए, बस क्या है कि राजनीति में टिके रहने के लिए थोड़ा बहुत दांव पीच खेलना पड़ता है ना सर, उसके लिए हम हैं। आप योग क्रिया कीजिए, विक्रम बाबू के साथ समय बिताइए। नकली दवाई के इस रैकेट को छुपाने के लिए सारी ताकतें एक साथ जुड़ गई थी, डॉक्टर स्नेहा को भी इसमें घेरा गया, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। राजनीतिक माहौल का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, हर तरफ मर्यादाएं पार हो रही थी, उसूलों और संस्कारों को रौंदा जा रहा था। क्या इस माहौल में डॉक्टर स्नेहा अपना संतुलन बनाए रखेंगी? क्या वो अपने सिद्धांतों पर डटी रहेंगी? कोई अपने गंदे हाथ धोकर किसी दूसरे के तौलिये से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तौलिया आपको बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से एक साजिश है डॉक्टर स्नेहा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, बहुत शातिर गेम प्लान तैयार किया जा रहा है आपके खिलाफ, और हमें ये भी नहीं पता कि कितने दुश्मन एक साथ मिले हुए हैं। आंधियों से ना मैं पहले कभी डरी हूँ ना ही आज कोई डर है। इस बार आंधियां संभलने का मौका नहीं देंगी डॉक्टर स्नेहा, सब कुछ उड़ा ले जाएंगे। जब इतने दोस्त बने हैं यहाँ तो कुछ दुश्मन भी बनेंगे, स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा पहलवान के खिलाफ आपका जाना, गांव में आपकी क्लिनिक बनना, औरतों का रुख आपकी तरफ होना, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य का बदलाव, और इन सब से ऊपर यहाँ के लोगों की मानसिकता में जो बदलाव आया है शायद वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, शायद इसलिए सारी साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। मधुक साहब गलत ताकतों की अपनी एक अलग लॉ होती है, तो खुद ही बुझ जाती है। हमारी ताकत सच्ची है और इसीलिए अगर कोई भी गलत ताकत हमसे टकराने की कोशिश करेगी तो शायद वो खुद ही फना हो जाएगी। डॉक्टर स्नेहा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये जो ऑर्डर्स आए हैं खुद मिनिस्टर साहब के सामने से होते हुए आए हैं, वही मिनिस्टर साहब जो कल तक आपकी तारीफों के पुल बांधते थे, वही मिनिस्टर साहब जो आपको अपना आदर्श मानते थे, फिर कैसे उन्होंने ऐसा होने दिया? ताज्जुब है ना, राजनीति में तलवार की धार कब बदल जाए मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। पर बेबुनियाद आरोपों के बल पर कोई मुझे फंसा नहीं सकता। अगर कुछ लोग हैं जो मेरी उड़ान का मांझा काटना चाहते हैं तो कई सारे लोग मेरे साथ भी हैं। कभी टूटते नहीं देखा आपको, ना घबराते हुए ना बिखरते हुए, जाने आप किस मिट्टी की बनी है डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा और उनके परिवार को धमकी दी जा रही थी, हर तरफ से ये कोशिश थी कि वो टूट जाए, डर कर अपने कदम पीछे खींच ले, पर वो डरने वालों में से नहीं है, वो तो सामना करने वालों में से है। विश्वास ही इंसान को अक्सर धोखा दे जाता, आप पर भी मैंने विश्वास किया था। आप गलत मतलब निकाल रही हैं डॉक्टर स्नेहा। मुझे लगा था कि कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, कोई है जो सच्चे तरीके से मेरे काम को समझता है। पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही थी। अंत में यहां सब एक जैसे, सब मिले हुए,
सबकी मंशा एक ही, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि। आप बेबुनियाद इल्जाम गढ़ रही हैं मेरे ऊपर डॉक्टर स्नेहा, मैंने तो हर मौके पर आपका साथ दिया है। क्यों सर, क्या ये सच नहीं है कि सिटी फार्मास्यूटिकल्स को बार बार दवाइयों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आपके पास आई। डॉक्टर स्नेहा, आपका मिलने का समय खत्म हो गया है, आप जा सकती हैं। मैं यहाँ कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए आई और उन्हें लेकर ही जाऊंगी। सरकारी दलदल में पैर मत डालिए, क्योंकि आज तक जिसने भी डाला है उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं। धमकी मत दीजिए, आवाज भी मत उठाइए। शुक्ला जी, अगर आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। यह आखिरी मौका है सर, हो सके तो अपने भीतर सोए हुए इंसान को जगाइए। आप चाहे तो उन लोगों पर बैन लगा सकते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, उनकी दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगा सकते हैं, और अगर आपने ये रोक नहीं लगाई ना तो इंतजार कीजिए एक ऐसी आंधी का जो आएगी और आपको उड़ा कर ले जाएगी, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। नमस्ते। डॉक्टर स्नेहा पे हुए हमले से माथुर परिवार दहल गया था। अगर आपके बेटी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप भी शायद यही करेंगे, लेकिन ऐसे में कदम पीछे खींच लेना, सहम जाना, अपने रास्ते से वापस लौट जाना, क्या समस्या का हल है? ज़रा सोचिए, अगर हम सब आवाज़ उठाने के बदले अपनी आवाज़ दबा दें तो विरोध कौन करेगा, बदलाव कैसे आएगा? दो रास्ते हैं बाबूजी, या तो डर कर सब कुछ भूल कर भाग जाएं, या फिर सबका सामना करो। गिरो, उठो, उठो, गिरो, फिर उठो, पर डटे रहो। मैं जानता हूं तुम दूसरा वाला रास्ता ही अपनाओगे, लेकिन बेटा, पिता हूं, चिंता लगी रहती है। वो लोग मुझे क्या डराएंगे बाबूजी? वो लोग तो खुद मुझसे डरते, मेरी सोच से डरते, मेरी नीयत से डरते, मेरे विश्वास से डरते हैं, मेरे निश्चय से डरते हैं। वो लोग कायर हैं बाबूजी, उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि सामने आकर बात कर सके, पीछे से वार करते हैं। मैं तुम्हारी हिम्मत की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बेटा। उनके पास शासन है, सत्ता है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जाने दीजिए ना बाबू जी, करने दीजिए हमला, कोई भी हमला मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ पाएगा। वो हमला खुद उन्हें बता देगा कि कमजोर उनका वार नहीं, मजबूत मेरे इरादे। आप तो जानते ही, आप ही की बेटी हो, इस दुनिया में आपसे ज्यादा मुझे और कौन जानता है बाबूजी? डॉक्टर स्नेहा तो निकल पड़ी है अकेले, लेकिन अर्जुन अब भी उनके साथ चलना चाहता है। जो दरार इस टूटे हुए रिश्ते में पड़ी है उसके बीच में अर्जुन को अब भी बारीक सी रोशनी दिखाई देती है। हाँ अर्जुन। स्नेहा, तुम कैसी हो? स्नेहा, मैं इतना भी तो पराया नहीं हुआ ना कि तुम मुझे कॉल ना कर सको। अर्जुन, मैं अकेली चली हूं, हिम्मत करके
कभी कभी मन कमजोर होता है और कभी 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 मुझे भी याद कर लिया कर उसने। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूं। डॉक्टर स्नेहा ना तो रुकेंगी ना ही झुकेंगी, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही जाएंगी। कोई रोक सके तो रोक ले। इन सब के बीच विक्रम की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने दवा क्या खाई, मानो मौत को गले लगा लिया। अमेरिका लौटने के बजाय वो मानवता अस्पताल में अपनी सांसें गिन रहा है। साहब, छोटे साहब खून की उल्टी कर रहे। तुम ऐसा करो कि उन्हें सीधे मानवता हॉस्पिटल लेकर के पहुंचो। दीदी, विक्रम की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उसे खून की उल्टियाँ हो रही है। सब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए मानवता, हमें भी चलना होगा। किस्मत का खेल देखिए, जिन नकली दवाओं की खरीद फरोख्त के लिए मंत्री जी ने मंजूरी दी थी, वही दवा उनके बेटे ने खाई, जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो गई है, बचना बहुत मुश्किल होगा। नकली दवा खाकर जब एक मजदूर की मौत हुई थी, तब डॉक्टर स्नेहा ने मंत्री जी को चेतावनी दी थी कि अस्पताल और बाजार से वो दवाइयां हटवा लें, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका तो एक ऐसी आंधी आएगी जो उनका सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जिन दवाइयों की खरीद फरोख्त पर मंत्री जी के हस्ताक्षर थे, आज उस दवाई को खाकर उन्हीं का बेटा विक्रम कभी भी दम तोड़ सकता है। ये मान लेना कि मेरे भ्रष्टाचार का शिकार कोई और होगा, मैं नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है। आज उनके भ्रष्टाचार का निशाना उनका मासूम और निर्दोष बेटा बना है। शायद अपने ही हाथों से मंत्री जी ने अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लिखा है। मेरा बेटा विक्रम जब 8 साल का था, तब उसकी माँ उसे छोड़ करके चली गई। हम मिनिस्टर होकर के भी उसे नहीं बचा पाए। हम दोनों उसी घर में एक दूसरे के साथी बने और दुश्मन भी बने। हम दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया और एक दूसरे को दुत्कारा भी। एक अजीब सा रिश्ता नफरत और मोहब्बत का हम दोनों के बीच में कायम होता चला गया। मैं चाहता था कि विक्रम मेरे साथ मेरी राजनीति को ज्वाइन करे और मेरी पार्टी को आगे लेकर के जाए, लेकिन उसने तो कुछ और ही सोच रखा था। वो अमेरिका चला गया पढ़ने, फिर लौट करके आया और आपसे उसकी मुलाकात हुई तो बहुत प्रभावित हुआ आपसे, और अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस लौटना चाहता है। सर, विक्रम एक बहुत ही होनहार लड़का है, अपनी उम्र के लड़कों से कहीं ज्यादा समझदार और संवेदनशील। उसने अपने हम उम्र लड़कों को बहुत प्रभावित किया, उन्हें अपना हमराह ही बनाया। उसकी ये योजना किशोर किशोरियों की जिंदगी में बदलाव लेकर आएगी, नई सोच, नया नजरिया। हमें नजरअंदाज करते चलेगा उसके नजरिए। बहुत बुरा लग रहा है डॉक्टर स्नेहा, मुझे मेरा बेटा विक्रम
विक्रम को कुछ भी नहीं होगा सर, उसे समय पर अस्पताल लाया गया, वो ठीक हो जाएगा। वो मजबूर, वो मजदूर अरुण, वो तो समय पर अस्पताल पे नहीं लाया गया था ना, उसकी तो जान चली गई, उसके जैसे ना जाने और कितने हैं जिनकी जाने चली जाती होंगी। उनको सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता होगा, पैसे नहीं उनके पास, ताकत नहीं उनके पास। दम तोड़ देते हैं वो चुपचाप, और भी ना जाने कितने दम तोड़ देंगे, बिना शिकायत किए, बिना कोई आवाज उठाए। अब आप विक्रम से मिलना चाहते? नहीं, अभी नहीं। विक्रम से अब मैं तभी मिलूंगा जब वो मुझे खुद बाबूजी कहकर के बुलाएगा। अभी तो मैं आपसे और डॉक्टर जैन से मिलने आया था, आप दोनों का धन्यवाद कहने आया था बस। सर, आपके विश्वास से हमें और मजबूती मिलती है, आप चिंता मत कीजिए। हेलो, क्या हुआ? सब कुछ कंट्रोल में तो है ना? अरे मिनिस्टर साहब का बेटा आईसीयू में भर्ती, गंभीर हालत में, जानते हैं क्यों? हुआ क्या है, ठीक से बताइए डिटेल में। बुखार था उसको, आपकी कंपनी की दवा खाई और गंभीर हालत में पहुंच गया। नकली दवा थी, रिएक्ट हो गई। दवाई की जगह आप जहर बनाते हैं, सारा खानदान जेल में सड़ेगा आपका। अरे ये मिनिस्टर साहब की बात है, कोई अरे गहरे मजदूर की बात नहीं है ये। देखिए बा, आप सब गलत समझ रहे हैं, हमारी कंपनी में क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये सब दुश्मन कंपनियों को किया कराया है। हमारी कंपनी के नाम से नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और बाजार में बेची जा रही, वो भी गलत तरीके से। देखिए गोलियां तो आप बना रहे हैं, लेकिन हमको गोली मत दीजिए बस, सबकी गर्दन कटेगी अगर छोटे साहब को कुछ हो गया तो। देखिए नुकसान हो गया है, अब इस पूरे मामले को कैसे संभालें हम, ये बताइए। वो जो वकील है ना आपका, क्या नाम, अर्जुन वर्मा, अर्जुन निगम है, वही बचा सकता है हमको, 100% रिकॉर्ड रहा है आप कह रहे थे ना? नहीं नहीं, वो तो पीछे हट चुका है। अरे हाथ पैर जोड़िए उसके, मिन्नतें करिए, पैसों की कालीन बिछा दीजिए, लेकिन लाइए उसको इस केस में, नहीं तो जेल जाने की तैयारी कर लीजिए आप। मैं कोशिश करता हूँ। नकली दवाई बनाने वाले कंपनी के मालिक मिस्टर सेठी ये समझ गए थे कि इस कांड से बचकर निकलना है तो अर्जुन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने अहम को दूर रखा और एक बार फिर पहुंच गए अर्जुन के पास। कहा करती थी ये गुस्सा अहम बिल्कुल नमक की तरह होता है, चुटकी भर ज्यादा पड़ जाए सब नष्ट कर देता है। पर मां की बात पर अक्सर हम लोग ध्यान कहां देते हैं, मैंने भी वही किया और देखो आज मेरा अहम मेरा ही दुश्मन बना बैठा है, मुझसे ही अलग कर दिया। पता नहीं सेठी साहब आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं। देखिए हमारी गाड़ी एक पटरी पे दौड़ नहीं सकती, या तो दोष गाड़ी का है या फिर पटरी का। तो मुझे एक गलत इंसान समझते हो ना, एक ऐसा इंसान जो गलत तरीकों से अपने धंधे को आगे बढ़ा रहा है ना? देखिए इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी क्या गलत है क्या सही इसके ऊपर मैं और चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए सेठी साहब मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी जिंदगी की डायरी में एक नया पन्ना लिखना शुरू हुआ है जिसमें सिर्फ सच्चाई होगी और जिसका हर एक शब्द
साफ साफ लिखा होगा। बस यही भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि मैं सच्चा हूं, मेरी मंशा साफ है। हाँ, कभी कभी बिजनेस के लिए मैंने थोड़ी बहुत फेरबदल की है अपने उसूलों में, लेकिन सब करते हैं, क्या करें, हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है, व्यवस्था ही ऐसी है, लेकिन इससे इंसान तो नहीं बदल जाता। अर्जुन, सेठी फार्मास्यूटिकल को तुम्हारी जरूरत है। क्या अर्जुन पैसे की लालच में आकर एक अपराधी का साथ देगा? विक्रम कब तक मौत से लड़ता रहेगा? देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूं। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूं, एक नई जान को सांसों में भर सकती। सकती।